हे एवरीवन, दिस मी जैकी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे मैं महीने में एक बार वीडियो डालता हूँ, वैसे ही मैंने आज भी आया हूँ वीडियो देखकर। और आज की वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जो राइड करते हैं, लॉन्ग राइड करते हैं, उन लोगों के पास एक डिवाइस होता है और वो होता है GPS डिवाइस। बहुत सारे बाइकर्स के पास है, बहुत सारे कार ओनर्स के पास है ऐसे डिवाइस। और इस डिवाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसका डे टू डे लाइफ में। मगर मेरे पास भी और एक डिवाइस है वैसे ही GPS। मेरा डिवाइस का नाम है OneLab Go। अभी OneLab Go कुछ दिनों से मैंने, एक साल से मैंने यूज़ किया उसको अच्छी तरह से, क्योंकि मैं जो भी चीज़ परचेस करता हूँ वो मैं पर्सनल लाइफ पे यूज़ भी करता हूँ। और उसका जो, अगर आप लोगों को किसी को भी चाहिए लॉन्ग टाइम रिव्यू दे दो उस चीज़ का, मैं वो बना के दे सकता हूँ, ऐसा होता है। मगर मैंने OneLab Go जो होता है, जो एक डिवाइस होता है GPS डिवाइस, उसको मैंने यूज़ किया था और करीबन एक साल हो गया, उसके साथ सिम आता है, एक साल हो गया मैंने उसको यूज़ करते करते देखा कि फेब्रुआरी तक जो डिवाइस अच्छी तरह से काम कर रहा था। मगर फेब्रुआरी के मिड पे, यानी 7 और 8 फेब्रुआरी, वो डिवाइस काम करना बंद कर दिया। बहुत सारे नोटिफिकेशन देते थे, आपका चार्जिंग लेवल से लेकर बहुत सारे नोटिफिकेशन आते थे, अचानक से नोटिफिकेशन आना बंद हो गया। तो फेब्रुआरी पे ऐसा इशू आ रहा था, तो फेब्रुआरी तक मैंने देखा चार्ज वर्ज की, मगर डिवाइस में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ था। डिवाइस में जो भी दिखा रहा था वो क्या दिखा रहा था, उसके अंदर ब्लिंक हो रहा है, जैसे सिग्नल देता है उस तरह की ब्लिंक हो रहा है। उसके सिम है उसका भी ब्लिंक हो रहा है। मैंने सोचा चलो यार, सिम शायद उसका जो डेटा है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो उसके साथ ही आया था, एक वोडाफोन का सिम था। मैंने अपनी तरफ से सिम लगाया, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसके हेल्प को कॉल किया, एक्चुअली कॉल नहीं टेक्स्ट किया, और वहाँ से तुरंत ही मुझे रिप्लाई आ गया। मेरे पूरा जो इश्यूज है वो उन्हें बताया। उसके बाद उसको मैंने एक वीडियो भेजा था, उन्होंने कहा था कि अब वीडियो भेजे, तो मैंने वीडियो भी भेजा था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन मैंने वेट किया, और वेट करने के बाद मेरे पास फिर से एक व्हाट्सएप में मैसेज आया कि आपका जो प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट हो चुका है, शायद उसको सर्विस की ज़रूरत है। तो मैंने तुरंत सर्विस के लिए हाँ बोल दिया, और उन्होंने बताया कि 800 से लेकर 1200 तक उसका शायद वो कॉस्ट भी आ जाएगा, सर्विस कॉस्ट। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। फिर मैंने उनको दोबारा मैंने कांटेक्ट किया बाई व्हाट्सएप, और उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपका जो OneLab Go है उसको पिकअप कर लूँगा। तो उन्होंने ही पिकअप करवाया था, मेरे पास आया था डिलीवरी का एक बंदा, उन्होंने पिकअप किया, सब कुछ देखा चुका, लेकर गए। उसके बाद करीब 15-20 दिन तक उसके पास था। मैंने 2-3 बार मैप ओपन करके देखा भी, वहाँ पर दिल्ली में उसका सर्विस सेंटर है, उस जगह को दिखा रहा था। 2-3 बार उसका मैप भी आ गया था मेरे पास, क्योंकि मेरे डिवाइस का फ़ोन के साथ उस डिवाइस कनेक्टेड था, तो वो डिवाइस कहीं पर क्या हो रहा है वो मेरे को भेज रहा था सिग्नल। मैंने कहा ठीक है। उसके 4-5 दिन बाद मेरे पास वापस से मैंने उसको व्हाट्सअप किया कि अभी क्या स्टेटस है। उन्होंने कहा आपका डिवाइस ठीक हो गया है, कुछ ही दिन के अंदर हम उसको अब तक डिलीवर कर देंगे। तो डिलीवरी होकर मेरे पास आया, मैंने देखा एकदम ओके था डिवाइस, और मेरे पास कोई चार्ज भी नहीं लगा। मैंने डिलीवरी को पूछा था कोई चार्ज वगैरह लगेगा या नहीं, बोला कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है। तो बेसिकली देखना चाहता सेल सर्विस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए, मेरे प्रोडक्ट के लिए भी था। और साथ ही साथ उन्होंने जो कर दिया उसके साथ एक वोडाफोन का और एक नया सिम डाल के दे दिया, शायद सिम का इशू होगा या दूसरा कुछ चीज़ों का इशू है, आई डोंट नो। मैंने उसको पूछने की कोशिश की मगर नहीं पूछ पाया, क्योंकि मैं भी बिजी हो गया था। उसके बाद उन्होंने रेटिंग के लिए पूछा मुझे कि आप कितना रेटिंग देंगे, तो मैं अच्छा खासा रेटिंग दे दिया। तो आप अच्छी ब्रांड के कुछ लोगे तो अच्छा सर्विस मिल सकता है। तो मैंने ऐसा नहीं कहूँगा OneLab का प्रोडक्ट खास नहीं है, अच्छा है, और उसका सेल्स सर्विस भी बहुत ही अच्छा है। तो पूरा यही था
अगर कोई भी चीज़ आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट परचेस करता हो तो आफ्टर सेल सर्विस भी देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।